काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव को समर्पित है, क्योंकि इस दिन शिव ने काल भैरव अवतार लिया था। मंगलवार को भैरव जयंती बेटमा में धूमधाम के साथ मनाई गई। नगर के राजवाड़ा चौक स्थित काल भैरव मंदिर में बाबा भैरवनाथ मित्र मंडली द्वारा विशेष श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया गया। तत्पश्चात भोग लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया गया। बाबा भैरवनाथ की महाआरती में भक्त मंडली के साथ नगर के भैरव भक्तों ने हिस्सा लिया। मंदिर में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य प्राप्त किया। सनातन शास्त्रों में निहित है कि अंधकासुर के वध हेतु भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार धारण किया था। प्रकांड पंडितों की माने तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न के समय में भगवान शिव ने काल भैरव देव का रूप धारण किया था। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, भय, काल और कष्ट दूर हो जाते हैं। अंत साधक श्रद्धा भाव से काल भैरव देव की पूजा करते हैं। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। काल भैरव भगवान का जन्म उत्सव है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज बेटमा नगर में राजबाड़ा चौक पर बाबा भैरवनाथ भक्त मंडली ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में बाबा का श्रृंगार किया, महाआरती की और उसी के साथ में महाप्रसादी का वितरण आपके सामने जारी है, वो चल रहा है। और इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ बाबा का आशीर्वाद सभी ने प्राप्त किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।